लाइसेंस निकाल ले जो नोडी जो तू थले दे लगा ही मेनू लाइसेंस निकाल ले जो नोडी जो जाओ जाओ हॉस्पिटल जाना एडमिट है हॉस्पिटल जाना हमें जाने दो हमें सच्ची बात है वो हॉस्पिटल से मेरे फोन आ रहा है यार जल्दी में गया है जा रहे हैं लाइसेंस जी बोल गया एकदम जाना था साहब अभी वहाँ पे बुलाया कि एकदम आ जाओ अभी ऑपरेशन करा क्या हो गया क्या हो रहा है भाई का चलो कोई बात नहीं क्या हो गया इसीलिए एकदम ऑटो लिया लाइसेंस वगैरह भूल गया घर में भूल गया जल्दी जल्दी में डॉक्टर ने साथ बताया जल्दी जल्दी चलो 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 लगाई मैंने लाइसेंस निकाल ले जो नोडी जो एडमिट है हॉस्पिटल जाना हमें जाने दो हमें सच्ची बात है वो हॉस्पिटल से मेरे फोन आ रहा है जाने दो हमें ये कौन सी कौन है हॉस्पिटल में हमारे पति का ऑपरेशन है अभी डॉक्टर बार बार फोन कर रहे हैं वहाँ पे कोई नहीं है जाने दो हाथ जोड़ती हूँ जाने ये वाला हॉस्पिटल नहीं है जो ऑपरेशन वाला हाँ हमें जाने दो भाई ऐसा नहीं करो जिसे आप लोग कर रहे हो अभी फोन आया पैर का ऑपरेशन जा रहे जल्दी में गया है जा रहे हैं लाइसेंस जी बोल गया एकदम जाना था साहब अभी वहाँ पे बुलाया कि एकदम आ जाओ अभी ऑपरेशन करा क्या हो गया क्या हो रहा है पैर का ऑपरेशन भाई का चलो कोई बात नहीं क्या हो गया इसीलिए एकदम ऑटो लिया लाइसेंस वगैरह भूल गया घर में भूल गया जल्दी जल्दी में डॉक्टर ने साथ बताया जल्दी जल्दी देख सकते हैं कि एक ई रिक्शा चालक को यहाँ पर रोका गया जिसके बाद इस व्यक्ति का रो रो कर बुरा हाल है इनका ये कहना है कि डॉक्टर ने बुलाया साहब कि यहाँ ऑपरेशन कर रहे जल्दी जल्दी बाद में आपको छोड़ देंगे आप जल्दी जल्दी में डॉक्टर साहब बुलाया कर रहे ऑपरेशन है वो लाइसेंस वगैरह भूल गया था जल्दी जल्दी टायर का ऑपरेशन है सर कौन सा हॉस्पिटल है आपका क्या मैं चला रहा हूँ आप चला रहा हूँ जल्दी जल्दी में भूल गया है क्या है हम लेके जा रहे हैं इनको लेके जा रहे बैठो गाड़ी में मैं ड्राइवर से बात कर रहा हूँ इनको जल्दी जल्दी लेके जा रहे आपको बैठो दूसरा ऑटो देंगे आपको आप बैठो गाड़ी में आप बताइए आप क्यों रो रहे हो आप बैठो गाड़ी में जल्दी जल्दी बुलाया हुआ आपको भी दूसरा ऑटो बुलाता हूँ आप बैठो गाड़ी में आपको दूसरा ऑटो दिला देंगे ना दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा हाथ जल गया आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ है गाड़ी में बड़े बड़े जले हुए हैं गाड़ी में बड़े बड़े जले हुए हैं इसी में आग लग गई थी जल्दी जल्दी नहीं भाई देख सकते हैं कि फिलहाल ये महिला और ये व्यक्ति जो है वो काफी ज्यादा परेशान है हॉस्पिटल जा रहे हैं इनके भाई साहब का ऑपरेशन है और ऐसे में ई रिक्शा को यहाँ पर रोका गया है ट्रैफिक पुलिस द्वारा और वजह ये बताई जा रही है कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो कह रहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो जल गए हैं और अभी फिलहाल कोशिश की जा रही है कि इसके लिए जो है वो दूसरे किसी ई रिक्शा का जो है वो बंदोबस्त किया जाए ताकि इन्हें जो है वो दूसरे किसी गाड़ी में बिठाया जाए फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक ई रिक्शा चालक को यहां पर रोका गया है और अब इसमें जो है वो इसे बिठाया जाएगा देख सकते हैं कि अभी फिलहाल इनको दूसरा ई रिक्शा यहां पर करके दिया जा रहा है ताकि ये जो है वो दूसरे ई रिक्शा में बैठकर हॉस्पिटल पहुंच सके और अपने भाई का इलाज वहां पर करा सके देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर यहां पर मौजूद हैं और इनका ₹10,000 किराया जो रेट है ज्यादा देना ठीक है ज्यादा देगा बोलना